आज ये मानव श्रृंखला बनाई गई है 2 अक्टूबर गांधी जी की 150वीं जयंती पर, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन करने का, उसके लिए मानव श्रृंखला बनाई है, जिससे कि हम सभी लोग पूरे बरेली में ये संदेश दे सकें और पूरे देश में संदेश दे सकें कि बरेली आज से सिंगल यूज़ प्लास्टिक से मुक्त होगा। आज अगर हम सारे लोग शपथ ले रहे हैं, सारे लोग इस बात को कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये ध्यान रखेंगे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल ना हो। श्रृंखला में कितने लोग शामिल हुए? श्रृंखला में करीब 2600 लोग शामिल हैं। जी, गांधी जयंती के अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी भाई ने और महात्मा गांधी जी ने भी स्वच्छता का जो संदेश दिया है हम सबके लिए, उस सबको अमल में लाने के लिए हम ये रैली का यहाँ पे आयोजन किया है और आज से संकल्पित करा रहे हैं लोगों को कि पॉलीथीन का यूज़ बंद कर दें, अपने घर से थैले लेकर के निकले, दुकानदारों से भी सामान पॉलीथीन में ना मांग करके थैलों में मांगे, और अपने घर से अगर पॉलीथीन का कोई उपयोग कर भी रहा है तो हमारे पास अगर थैला हो तो हम उसे पॉलीथीन के लिए मना करें, और दोनों तरफ से जब जिम्मेदारी निभेगी देने वाले के उसमें भी और जो पॉलीथीन में लेकर के जा रहे हैं, अगर दोनों तरफ से मनाही होगी तो आशा है, विश्वास है कि ये मुहिम बहुत अच्छे से और जल्द ही सफल बनेगी। शालिनी जौहरी, मैं भाजपा मुख्य सचेतक पद पे हूँ, पार्षद हूँ।